नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैंड जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था फ्रॉड डेटा एंट्री के ऊपर। फ्रॉड डेटा एंट्री में थ्रेट मेल क्या होता है और मैंने डिस्कस किया था स्टेजेस जिसमें कैंडिडेट धीरे धीरे फ्रॉड डेटा एंट्री के चक्कर में फंसता जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह हम जेन्युइन तरीके से एयरलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तरा एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे। विस्तरा एयरलाइंस एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। आज हम इस वीडियो में विस्तरा एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम जानेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियोस धीरे धीरे आते रहेंगे वहाँ हम दूसरे एयरलाइन कंपनीज के ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो धीरे धीरे हम जानेंगे। साथ ही इस चैनल में मैं वैकेंसीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे इनके कैरियर सेक्शन में वैकेंसीज आएंगी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आप अगर एयरलाइन जॉब्स, एयरलाइन कैरियर के लिए परस्यू कर रहे हो तो अवश्य इस चैनल के साथ जुड़ जाइए आप। और साथ ही कहूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त भी इस तरीके के जॉब्स के लिए, एयरलाइन जो है कैरियर के लिए परस्यू कर रहा है, तो आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। क्योंकि मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एयरलाइन जो जॉब्स है उनके नाम पे फेक कंसल्टेंसीज और वेरियस एजेंसीज बहुत तरीके से पैसे लेते हैं। इन सब जॉब्स के लिए आपको किसी तरीके से भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यूज़ डायरेक्टली आप जाके अटेंड कर सकते हो। इंटरव्यूज़ के लिए भी पैसे नहीं लगते, किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो और इवन क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको मेरे लैपटॉप में और मैं आपको दिखाऊंगा वो जेन्युइन स्टेप्स जिसके थ्रू हम विस्तरा के ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए वो स्टेप्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दिया है आपके साथ। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा google.com पे। और वहाँ हमें लिखना है विस्तरा। तो सबसे पहला जो URL है ये ऐड है, पहला वाला। तो सेकंड वाला जो है वो URL है। आपको कैसे समझ में आएगा कि नीचे ऐड लिखा हुआ है, ये देखिए ऐड। आपको इसमें नहीं जाना है, आपको जाना है सेकंड वाला जो है URL, अगर आपके वहाँ ऐसा आता है, नहीं तो ये सबसे ऊपर आएगा। तो ये है जो वेब पेज है उनका, तो उसी के कैरियर सेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ देखिए कैरियर्स दिया हुआ है, तो कैरियर्स को हम खोलते हैं सबसे पहले। तो ये खुल चुका है अब। तो इसी में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पकड़ लीजिए, क्योंकि ये वेब पेजेस रेगुलरली अपडेट होते हैं, और पकड़ लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन है जो ओल्ड मॉडल है और बाय चांस अगर खुल नहीं रहा हो ये वेब पेजेस, क्योंकि इसमें आपको फिर सीवी, अपना जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो अपलोड करना पड़ता है, और बाय चांस अगर वो ना हो, प्रक्रिया जो है वो ना हो, तो मैं कहूँगा कि आप किसी का लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे इस प्रोसीड्यूर को खोल के आप आराम से कर सकोगे, या फिर पकड़ लीजिए आपके आसपास अगर कैफे हैं वहाँ जाके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हो, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि करंट वैकेंसीज का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है विस्तरा के बारे में। तो हमें जाना है करेंट वैकेंसीज में। तो करेंट वैकेंसीज में जैसा कि आप देख पा रहे हो वॉक इन इंटरव्यूज। अब वॉक इन इंटरव्यूज में जैसे दिया हुआ है कि कैबिन क्रू, पायलट, सिक्योरिटी स्टाफ, ग्राउंड सर्विस स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ को ये लोग ग्राउंड सर्विसेज स्टाफ कहते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली क्या है, इन चारों में अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो
और नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे व्यू जॉब्स दिया हुआ है, कैबिन क्रू, पायलट, फ्लाइट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, ग्राउंड सर्विसेज एंड सिक्योरिटी, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनांस। तो ये जो सारा है इसमें जो करेंट वैकेंसीज होती है वो उनका जो लिस्ट है वो दिया हुआ रहता है, उनका जो जॉब पोस्ट है वो दिया हुआ रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से ग्राउंड सर्विसेज स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ की यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि प्लस का आइकॉन है, प्लस को खोलना है और सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में लिखा है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री, तो एविएशन इंडस्ट्री में आपका वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और क्वालिफिकेशन में कहा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस और अदर्स में जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इंक्लूडिंग मिसहैंडल बैगेज, कैटरिंग, फ्लाइट रिपोर्ट, वेंडर इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये सारे चीज़ आते हैं। कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन में जो है वो जैसे कि आप कस्टमर से किस तरीके से बात करते हो, फ्लाइट पंक्चुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वर्किंग क्लोजली विथ सर्विस पार्टनर्स, ग्राउंड हैंडलिंग, कैटरिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, हर डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके का कनेक्शन आपको कायम करना है, ये जो जॉब है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। नीचे दिया हुआ है स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स में जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है आपको, विलिंगनेस टू वर्क इन शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट भी रहता है यहाँ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है किसी भी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर पकड़ लीजिए आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको जो है फ्लुएंट होने की ज़रूरत है और आपका जो कम्युनिकेशन है वो 100% सक्सेसफुल होना चाहिए। जैसे कि हम जैसे आप कस्टमर से बात करोगे तो आपका जो इंटरेक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब यहाँ और दिया हुआ है कि पोजेस एन एप्टीट्यूड फॉर कस्टमर सर्विस, ये इसी का बात कर रहा था कि कस्टमर के साथ जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करोगे उससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, इसी का बात करते हैं। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ क्लिक करना है, मगर हाँ उसके नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज कैरी लास्ट 3 months सैलरी स्लिप एंड अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम योर करेंट / प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं काम कर रहे हो करेंट तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ का लेके आना है, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का भी हो तो उसका भी लेके आना है और लास्ट 3 months का जो सैलरी स्लिप है वो लेके आना है इंटरव्यू के वक्त। अब क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसमें हमें क्लिक करना है और करने के साथ साथ यहाँ जो है वो मेरा जीमेल खुल जाता है, आपका भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो रेस्पेक्टिव जीमेल आईडी है वो खुल जाएगा। मैं यहाँ देता हूँ मेरा पासवर्ड, आपको अपने पासवर्ड के थ्रू इसे खोलना है। खोलने के साथ साथ आपको दिखेगा गूगल फॉर्म खुल जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा, ये देखिए ग्राउंड सर्विसेज एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर एप्लीकेंट ग्लैड टू सी यू हियर टू सक्सेसफुली अपलोड योर रिज्यूमे फिल द फॉर्म बिलो। तो आपको नीचे जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ। तो यहाँ पे और एक चीज़ कहा गया कि अगर आपका यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपका ईमेल एड्रेस गलती से अगर आपने भूल दे दिया हो तो स्विच अकाउंट कर सकते हो और फिर से चेंज करके फिर से पासवर्ड देके आप इसी फॉर्म जो है ये जो फॉर्म है इस पर आप फिर से आ सकते हो अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस दिया हो। तो यहाँ पे देखिए एस्टेरिक्स देके दिया हुआ है रिक्वायर्ड जो स्टार मार्क है, तो सारे स्टार मार्क जो है वो मैंडेटरी है, वो फिलअप करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं यहाँ पे फिलअप नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ स्टेप्स। तो फुल नेम एज इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में जैसा आपका नाम है पूरा वैसा ही देना है, शॉर्ट नेम यूज नहीं करना है। कॉन्टेक्ट नंबर देना है आपका, एड्रेस एस पर आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है वही देना है। जेंडर फीमेल मेल, थर्ड जेंडर जो है आपका। डेट ऑफ बर्थ MMDDYY, तो MMDDYY फॉर्मेट में है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पकड़ लीजिए मेरा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 31 May 1989, अब 31st मैंने दे दिया, मे देना है मुझे, मे और आपको चेंज करना है डेट। तो आपको डेट चेंज करने के लिए आपको पहले सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा मेरा 1989 है तो हम चलते हैं। इस तरीके से आप देखिए यार आप देख सकते हो इस तरीके से किया जाएगा।
तो 1989 में क्लिक करना है, उसका उसके मई में क्लिक करना है और 31st में क्लिक करना है। ये देखिए बन चुका है MMDDYY, मतलब MM मतलब 05/31/1989। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। 10+2 है मतलब आप फ्रेशर जो है, जो हायर सेकेंडरी के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हाई सेकेंडरी होने का मतलब ये होता है कि आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं भी रह सकता है, तो आप अगर फ्रेशर होके ऐसे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। आप अगर हायर सेकेंडरी के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएशन जैसे कि मैंडेटरी है तो वो प्रेफरेंस सबसे पहले रखा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो और अच्छा है, और साथ ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहे एविएशन इंडस्ट्री में तो और अच्छा है, और 10+2 भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है करंट लोकेशन और प्रेफर्ड लोकेशन। करंट लोकेशन आपका जो सिटी है, जैसे मेरा कोलकाता है तो कोलकाता रहेगा, और प्रेफर्ड लोकेशन आपके हिसाब से है। अगर मैं सोचूं कि मैं मुझे दिल्ली में काम करना है प्रेफर्ड लोकेशन, तो मैं दिल्ली दे दूंगा। अगर पकड़ लीजिए आप दिल्ली के इर्द गिर्द किसी छोटे टाउन या सिटी में रहते हो, आपको दिल्ली में काम करना है, तो आप प्रेफर्ड लोकेशन दिल्ली दोगे, करंट लोकेशन आपका प्लेस दोगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर जो है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, ड्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, ये जितने सारे हैं, 6 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके लिए, ये सारे गिरते हैं ग्राउंड सर्विस स्टाफ जो वो कह रहे हैं उसी में। तो आप किसी एक को चूज कर सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको वही करना है यहाँ। और उसके बाद आता है टोटल इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 10+2 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जीरो लिखोगे। करंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक्सपीरियंस है वो अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन, करंट डेजिग्नेशन, करंट एनुअल सैलरी इन पर एनम मतलब सालाना इनकम जो है वो देना पड़ेगा। जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए ही है ये, और जिनका 10+2 रहेगा वो यहाँ मतलब नल या नील या कुछ नहीं भी दे तो चलेगा। अब नोटिस पीरियड नीचे दिया हुआ है। नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि आप जो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसमें आप जब छोड़ोगे, कितना टाइम पीरियड आप उनसे ले रहे हो छोड़ने के लिए वो जॉब, तो या 7 days, 14 days, 30 days, 45 days, 60 days, 90 days, 180 days, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से आपका नोटिस पीरियड लोगे। हर कंपनी का अलग नोटिस पीरियड रहता है। यहाँ दिया हुआ है डिस्क्लेमर। अब देखिए अटैच योर रिज्यूमे, यहाँ ऐड फाइल करना है। अब ऐड फाइल में क्लिक करने से क्या होगा कि ये देखिए हमारा जो इंसर्ट फाइल का ऑप्शन आ जाता है, तो सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस। तो यहाँ क्या होता है कि जो CV है वो दो फॉर्मेट में बनाया जाता है नॉर्मली, एक है docx और एक है PDF। docx जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू होता है, और उसी को कन्वर्ट करके PDF बनाया जा सकता है। तो ये जो है किस तरीके से हम अच्छा CV बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैची रिज्यूमे, अट्रैक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं, और docx फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, PDF फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है लास्ट वाला जो है वैलिडिटी ऑफ LNT सर्टिफिकेट, ये आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ मैंडेटरी नहीं है ये। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ साथ आपको एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि आपका आपने अपना ईमेल एड्रेस के थ्रू ही इसे ऑन मतलब इस फॉर्म को खोला था, तो आपके वहाँ एक मेल आ जाएगा कि आपका जो CV है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, और उसी बेसिस पे आपको वैकेंसीज ग्राउंड सर्विसेज स्टाफ के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेल के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से हम नॉर्मली CV जो है अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं ग्राउंड सर्विसेज स्टाफ के लिए। ये विस्तरा का है, विस्तरा में हम किस तरीके से करते हैं, हर एयरलाइन जो कंपनीज है उनके जो स्टेप्स है वो थोड़ा बहुत अलग रहते हैं, तो मैं फ्यूचर जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं रेगुलरली बताते रहूँगा सारे जो है एयरलाइन वेबसाइट्स में किस तरीके से हम वेरियस पोजीशंस के लिए, पकड़ लीजिए यहाँ तो मैंने आपको ग्राउंड सर्विसेज स्टाफ दिखाया, टेक्निकल रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, इंजीनियरिंग रहता है, मैनेजमेंट रहता है, फिनांस रहता है, हर जगह किस तरीके से हम अपना CV सबमिट कर सकते हैं, वैकेंसीज देख सकते हैं, करंट वैकेंसीज के बारे में ही बताऊंगा मैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए फ्यूचर वीडियोस ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए और आप आराम से एयरलाइन सेक्टर में जेन्युइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो।
और इसी में क्या लास्ट कह देना चाहता हूँ जो कि जब आप सबमिट करोगे और जैसा मैंने कहा कि मेल आपको आ जाएगा तो उस वहीं पे आपको मेल में ही आपको जब वैकेंसीज आपके आपका जो सीवी सबमिट हुआ है जिस पोस्ट के लिए उस हिसाब से आएगा तो उसमें इंटरव्यू का भी डिटेल्स और वेन्यू और टाइम एवरीथिंग दिया हुआ रहेगा। आप आराम से उसे चेक करके और जो जो चीजें वहां रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के इंटरव्यू में जाने के लिए तो वो सारी चीज लेके आप आराम से इंटरव्यू में जा सकते हो। कोई पैसा नहीं लगता, एयरलाइन कंपनीज कोई पैसा नहीं लेती इंटरव्यू लेने का। आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हो, अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो और क्या पता आपका जो ड्रीम है एयर एविएशन इंडस्ट्री में अपना कैरियर परस्यू करने का वो हो जाए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आपके आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों होप आपको इस वीडियो से मदद मिले और आप आराम से ग्राउंड स्टाफ जॉब और वेरियस जॉब्स के लिए धीरे धीरे अप्लाई कर सकोगे। अगर आपका इन चीज़ों में कोई भी सवाल रहे एयरलाइन जॉब्स रिलेटेड तो नीचे मेरा फेसबुक पेज का डिटेल्स दिया हुआ है। मेरे फेसबुक पेज का नाम है किशोर के यूट्यूब वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप वहां आए और मुझे मैसेज करके भी आप बता सकते हो, यूट्यूब में कॉमेंट करके बता सकते हो आपका क्वेश्चन इन चीज़ों के बारे में रिलेटेड, आप कुछ भी मुझसे सवाल कर सकते हो। तो होप आप आराम से जैसे मैंने स्टेप्स दिखाया है आप आराम से उसे फॉलो करके अप्लाई करो और कुछ ही दिनों में आपको कोई अगर वैकेंसी रहे तो नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए आपको वेन्यू भी बता दिया जाएगा और आप आराम से इंटरव्यू दे सकोगे और एयरलाइन जॉब परस्यू कर सकोगे। तो आज यहीं पर करूँगा वीडियो को एंड। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में एयरलाइन जॉब्स के बारे में बताऊँगा तो आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।